और फिर आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं शरद बाघेला। आइए देखते हैं खबरें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज में युवाओं के बीच पहुंचे। मौके पर उन्होंने युवाओं को महात्मा गांधी के ग्रामीण भारत और राजीव गांधी के 21वीं सदी के भारत के बीच को बारीकी से समझाया। साथ ही उन्होंने नरवा गरवा घुरवा बारी योजनाओं को कैसे महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रही है इस बात को भी बताया। बता दें कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल और महंत कॉलेज की ओर से आयोजित भाषण प्रतियोगिता 21वीं सदी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला आयोजित किया गया, राजीव जी के जो योगदान है उसके बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा हुई। छात्र छात्राओं ने भाग लिया, बहुत बधाई, क्योंकि राजीव जी ने उम्र के बच्चों को जो मताधिकार दिया, पंचायती राज और नगरी निकाय के चुनाव अनिवार्य कराए, कंप्यूटर साइंस जिस प्रकार संचार क्रांति उन्होंने किया वो देश कभी नहीं भूल सकता उसके योगदानों। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर जारी सियासत के बीच आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान आया है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि आदिवासियों के लिए जितना भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया है किसी ने नहीं किया है। लोगों को अपनी दुकान चलाना है इसलिए वो राज्यपाल से मिल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। भूपेश सरकार ने 4,000 रूपये तेंदुपत्ता का रेट तय किया, लोहंडीगुड़ा में जमीन वापस की, इसलिए कल प्रदेश भर में आदिवासी खुशी मनाएंगे और सरकार को धन्यवाद देंगे। लोग सरकार को कितना भी बदनाम करने की साजिश करें, भूपेश बघेल लोगों के दिलों में है। जंगल जमीन का पट्टा बांटने का काम कर रहा है और हमारा सरकार ने बस्तर में रहने वाले नौजवान लड़की बच्चे पढ़ने के लिए सन्ना भी वितरण करेंगे, गुड़ भी वितरण करेंगे, नमक भी वितरण करेंगे, अंडा भी वितरण करेंगे और हमारा सरकार ने जो चावल है 35 किलो मतलब 7 किलो मिल रहा था 35 किलो से लेके 70 किलो देने का निर्णय लिया है। कोंडागांव में इस साल आदिवासी दिवस काफी भव्य होने जा रहा है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड को पूरी तरह से सजा लिया गया है और शासन प्रशासन पूरी तरह से कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, साथ ही अन्य सांसद और मंत्री आयोजन में मौजूद रहेंगे। आदिवासी दिवस की जानकारी देते पदाधिकारी ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि को पारंपरिक नृत्य ढोल बजाकर स्वागत कर विशाल रैली निकाली जाएगी। खबर रायपुर से, जहां पर UW की टीम ने एक बार फिर नॉन दफ्तर में दबिश दी है। 5 से ज्यादा अधिकारियों की टीम नया रायपुर स्थित नॉन के ऑफिस पहुंची और वहां पर दस्तावेजों को खंगाला। अधिकारियों द्वारा नॉन घोटाले के से जुड़े अहम दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। UW DSP अनिल बख्शी ने कहा कि 2 दिन पहले कुछ फाइलें ले गए थे, उनका अध्ययन किया गया, उसके अलावा और फाइलों की जरूरत महसूस हुई इसलिए इस बार फिर दबिश दी गई है। UW की टीम एक बार फिर से नान दफ्तर पहुंची है। यहां पर तमाम UW के अधिकारी नान दफ्तर पहुंचकर फाइलों की जांच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहां पर फाइल्स पड़े हैं, उसको एक एक करके यहां पर जो UW के अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी जो तमाम UW के अधिकारी हैं उन्होंने यहां पर पहुंचकर फाइलों दस्तावेजों की जांच की थी और एक बार फिर से जो तमाम UW के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। नान मामले को लेकर सर कमेटी जांच के लिए आई है, कुछ अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर 2 दिन पहले आप लोगों ने दस्तावेजों की जांच के लिए यहां पर आए थे बार फिर? हाँ 2 दिन पहले आए थे, कुछ फाइल ले गए थे, उनका अध्ययन किया गया, उसके अलावा और फाइलों की जरूरत महसूस हुई। चना है, चावल है और पीली मटर दाल है, वो पीडी मटर है, तीन से रिलेटेड वो फाइल सब देख रहे हैं और वो फाइल हम लेके जाएंगे। अब किस तरीके से दस्तावेज है सर, क्या किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ी थी उस समय? 2011 से 14 के बीच का है, 2011 से 14 के बीच की जो विभिन्न खाद्य सामग्रियों की खरीदी और वितरण का काम होता था तो उनसे संबंधित फाइल्स हैं ये। 14 के पहले जो कलपड़ियाँ हुई थी उसकी भी फाइल? ऑब्वियसली 2011 से 14 के बीच में जो अनियमितताएं हुई हैं उसके संबंध में वो फाइल देख रहे हैं। क्या कुछ निकल कर आ पाया है सर इसमें? अभी तक क्या निकला है क्या नहीं निकला है विवेचना जारी है, इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं है। दस्तावेज का अध्ययन किया जा रहा है, फाइंडिंग जो भी होगी
तमाम जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचकर दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे हैं। दो दिन पहले तमाम दस्तावेजों के लिए यहाँ पर टीम पहुँची थी, कुछ फाइल्स यहाँ से जब्त किए गए थे उसका अध्ययन किया गया और कुछ फाइल्स की और जरूरत पड़ी तो उस सिलसिले में यहाँ के जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं वो नागरिक आपूर्ति निगम के दफ्तर पहुँचे। कैमरामैन अखिलेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। के वेट पर दी गई रियायत दर को घटाने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दामों को रायपुर के लोगों ने अनुचित बताते हुए कहा कि इससे उनकी आमदनी पर फर्क पड़ेगा और घर का बजट भी बिगड़ेगा। और सबसे बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर इंद्रावती नदी पार करते वक्त नाव पलट गई और बीच मझधार में 14 ग्रामीण फंस गए हैं। 24 घंटे से ये फंसे हुए हैं। ग्रामीण पर नेटवर्क न होने से देर से प्रशासन को सूचना मिली। दंतेवाड़ा से बचाव दल को रवाना कर दिया गया है और जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। बचाव दल द्वारा रेस्क्यू जारी है। इंद्रावती नदी के गुडरा नाले की यह घटना है। बारसूर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, अब बता दें इंद्रावती नदी पार करते वक्त एक नाव पलट गई, बीच मझधार में 14 ग्रामीण फंस गए हैं और 24 घंटे से फंसे हुए हैं। हमारे साथ पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। पंकज, अभी की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? शरद, मैं बता दूं कि दंतेवाड़ा से बाढ़ आपदा नियंत्रण की टीम निकली हुई है। 12 सदस्यों का दल निकला हुआ है ग्रामीणों को बचाने के लिए और यह इंद्रावती के पार की घटना है। इंद्रावती का पार का जो इलाका है वहाँ के ग्रामीणों को अक्सर इसी तरीके से मुसीबत का सामना करके नाव के सहारे इंद्रावती को पार करके आना पड़ता है। ये गुटरा नाला बताया जा रहा है और बारसूर थाना से इसकी दूरी 9 किलोमीटर है। ये जो पूरा इलाका है ये सघन जंगल का इलाका है और ये नो नेटवर्क जोन है। इस वजह से प्रशासन को इस खबर को मिलने में पूरे एक दिन बीत गए और 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। वहाँ पर ग्रामीण फंसे हुए हैं। लगातार दंतेवाड़ा से जो हस्ती कमरे की टीम है उनको मदद पहुँचा रही है और हम इस पर पूरी, इस खबर पर पूरी अपनी नजर बनाए रखे हुए। क्या लगता है, जिस तरह हम प्रशासन की बात करें, एक दिन का समय लग गया आप जैसा बता रहे हैं, तो अभी किस मुस्तैदी के साथ प्रशासन जुटा हुआ है और क्या कुछ अपडेट वहाँ पर नजर आ रहा है? 24 घंटे से इंद्रावती नदी में ग्रामीण फंसे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति अभी, क्योंकि 24 घंटे बहुत ज्यादा वक्त होता है। ऐसे में क्या 14 लोग ही थे, उससे ज्यादा लोग थे और कितने लोग सुरक्षित निकाले जा रहे हैं अभी तक? जानकारी के हिसाब से 14 लोगों का एक दल नाव के सहारे आ रहा था और नाव पलटने की वजह से पलटे हैं। एक बड़ी सी चट्टान के सहारे सारे लोग बैठे हुए हैं और प्रशासन यहाँ से नाव के साथ में गाड़ियों के साथ में रसद राशन लेकर के बढ़ा है और जो भी संभव मदद है उन ग्रामीणों को पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और संभवतः इससे पहले भी दंतेवाड़ा प्रशासन ने इस तरीके के रेस्क्यू किए हैं, कई बार ग्रामीणों को इंद्रावती के बीच मझधार से बचा करके सुरक्षित निकाला है। चलिए, धन्यवाद पंकज, बहुत तमाम जानकारी के लिए। यानी कि 24 घंटे से इंद्रावती नदी में ग्रामीण फसल को बचाने के लिए मौके पर बचाव दल पहुंच गया है। बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर मंडल आरपीएफ ने ऑपरेशन थंडर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा टिकट दलालों को गिरफ्तार किया है। मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश में आरपीएफ ने रायगढ़, चांपा, कोरबा, पेंड्रा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में छापेमार कार्रवाई करते हुए टिकट दलालों को दबोचा है। इनसे एक आरोपी दलाल रायगढ़ का भी है। आरपीएफ ने आरोपी के पास से 4 पर्सनल आईडी पर 21,560 रुपए के कुल 36 टिकट बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी के पास रेलवे द्वारा अधिकृत कोई आईडी कार्ड नहीं था। फिलहाल आरपीएफ ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोरिया कलेक्टर अचानक राजस्व और तहसील कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने कामकाज का जायजा लिया और सभी प्रकरण सही समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने वक्त बर्बाद करने वाले अधिकारियों को खूब फटकारा। इसके साथ ही कलेक्टर ने राजस्व विभाग को जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार किसान मजदूर के उत्थान के लिए लगातार तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश में लगी है, लेकिन इसके विपरीत धर्मजयगढ़ में किसान मजदूरों को अब तक तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि नहीं मिली है, जिसके कारण एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर पे चक्कर काटने के लिए तेंदुपत्ता संग्रहकर्ता मजबूर है। और इधर मामले में एक बार फिर डीएफओ ने राशि को उनके बैंक में डालने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार भटकते हुए हितग्राहियों को तेंदुपत्ता संग्रहण राशि कब तक मुहैया होती है।
पैसा आज तक नहीं मिला है। प्रबंधक के पास कई बार गए लेकिन आज तक कोई पैसे के बारे में डाला हम बोलते हैं। जब बैंक आते हैं वहाँ पैसे नहीं मिलता है। रस्ते में कैसे साहब डल गए कि डाले हो कि नहीं डाले हो? हाँ। नहीं डाल दिया हूँ, जाओ निकालो करके। अभी तुरंत जाके चेक करा के बात करते कांकेर की, जहां पर एक हेडमास्टर ने अपने घर के पीछे के जंगल में फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। हेडमास्टर के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें आत्महत्या की वजह किसी का परेशान करना बताया गया है। सुसाइड नोट के मुताबिक हेडमास्टर को कोई शराब पीकर रोज प्रताड़ित करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन परेशान करने वाले शख्स का पता नहीं चल पाया है। राम गोगर में पदस्थ राम टेकेकर के एक टीचर हैं, वो अपने मानवता पर पुलिस से जो शासकीय आवास है उसके पास घर में लटक करके फांसी प्रकार मुक्ता किया जाना पाया गया है। और वही घटना स्थल में निरीक्षण पर से एक नोट मिला है जिसमें शराब पी करके किसी के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आकर के उसमें तंग करने के संबंध में लिखा है और वो कौन व्यक्ति है इस संबंध में जाँच कर रहे हैं। सबको पंचनामा का पोस्टमार्टम। जांजगीर चांपा में पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। यह चोर अपनी ही चालाकी के चलते पकड़ में आ गया। दरअसल इस चोर ने रेलवे की पार्किंग से बुलेट चोरी की थी और ओएलएक्स में विज्ञापन डालकर उसे बेच रहा था। इसकी जानकारी गाड़ी मालिक को लगी तो उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने ग्राहक बनकर संपर्क करने के बाद उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। उसी पर्ची को दिखा के रात के लड़के पर्ची का नंबर नहीं देख पाए और पर्ची को दिया, वो गाड़ी लेके चले गए। उसके एफआईआर दर्ज कराए हैं, पहले कंप्लेन किए, वो बुलेट वाला आया बताया कि हमारे पास हमारी गाड़ी नहीं है, फिर कंप्लेन करवाए, फिर बाद में 3 दिन बाद एफआईआर करवाए। तत्काल एक टीम बनाकर बिलासपुर रवाना की गई थी। बिलासपुर में जाके ग्राहक बनकर उसे बुलेट का सौदा किया और फिर एक जगह उसको वहां बुलाए तो वो बुलेट लेके आया। तत्काल हिरासत में लेके पूछताछ की गई, उसने बुलेट चोरी करना स्वीकार किया, बुलेट बरामद कर आरोपी राहुल को। लाखों करोड़ रुपए का काम करने वाले धर्मजड़गढ़ सिंचाई विभाग का एसडीओ कार्यालय खंडर में तब्दील हो रहा है। पूरी तरह जर्जर भवन की दीवारों में चारों तरफ से दरारें आ गई है, छत से पानी टपक रहा है जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी डरते डरते ड्यूटी करते हैं। इसकी हालत देखने के बावजूद कोई आला अफसर इसके सुधार के लिए संजीदा नहीं है और किसी तरह काम चलाया जा रहा है। तो यहाँ जैसे कितने कर्मचारी या अधिकारी यहाँ कार्यरत? यहाँ तो सजीवियर लोग रहते हैं, यहाँ 3 आदमी रहते हैं। तो यहाँ जैसे काम करते हैं सर बैठ कर, डर लगता है क्या अभी? हाँ कभी तो लगता है ये, लेकिन क्या कभी लिख कर ऊपर उच्च अधिकारी से अवगत कराए बताएं स्थिति? नहीं नहीं, तो अधिकारी देख रहे हैं तो कैसे अवगत कराएंगे, खुद देख रहे हैं तो नहीं देख रहे हैं क्या? आरबीएफ की टीम ने जिले में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही अवैध ई रेल टिकट का गोरखधंधा करने वाले लोगों पर दबिश दी है और सुविधा केंद्र में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 30,980 नकदी के अलावा कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल समेत 75 नग टिकट बरामद किए गए हैं। बात करें बालोदा बाजार की, यहां पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के पास से 1,61,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। 5 आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 5 व्यक्ति जुआ खेलते मिले जिन 5 जुआरी से लगभग 1,61,300 रुपए एवं 52 पत्ती ताश पत्ती को जब्त कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। यह खबर गरियाबंद से है जहाँ एक तस्वीर ने विकास के तमाम दावों की पोल खोल दी है। ये तस्वीर उन दावों की जमीनी हकीकत बयां करने के लिए काफी है जिन्हें देखकर साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी किस तरह सरकार की नजरों में धूल झोंक रहे हैं। पंचायत को आदर्श ग्राम का दर्जा तो मिला है लेकिन बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया नहीं की गई है। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये आदर्श ग्राम बना कैसे? क्या बिना मापदंड के ही इसे आदर्श ग्राम घोषित कर दिया गया? आपको बताते हैं कि बारिश में खुले आसमान के नीचे दाह संस्कार करने की कोशिश करते ग्रामीण काफी परेशान हुए और ये तस्वीर सिंहेश्वर विकासखंड के जिंजरा पंचायत के आश्रित गांव मुटतरे की है।
गांव में मुक्तिधाम ना होने के कारण ग्रामीणों को एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार बारिश के दौरान खुले आसमान के नीचे करना पड़ा। कई बार तिरपाल लगाई गई, वो जल गई और उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसका संस्कार किया गया। मुक्तिधाम आग है लेकिन बनाए नहीं है हमारे सरपंच। हम कुलम दस अंतर करे हैं, पानी बरसते पानी करे हैं और वो भी लाश अधूरा टाइप की हो गए। दस अंतर कर अभी भी कोई घर के आदमी आरिश है कि अधूरा जले है बाचे है बोल रहे संस्कार मोहन जोशी के जौन करे हवन छतरी और चिल्ली टांग के अभी तक हमारे गाँव मुक्ति धाम बने नहीं है। हमारे गांव में जो सरकार है बिल्कुल अनसुना कर रहे, सरपंच भी आज तक हमारे गांव में हीरक के दिखे नहीं न कुछ करे। मुक्ति धाम जो मूर्त में सुदृढ़ हो गया और हम लोग बना भी रहे हैं। एक्चुअली में वहां पर क्या था कि जो वो जो जगह जो था ना पहले से विवादित था, है ना, और उस विवादित के कारण से लोगों का आक्रोश यह था कि जिस जगह पे बनाना है उसी जगह पे बना। जैसे बस्तर का रोजगार सृजन केंद्र बताते पुरानी सरकार थकती नहीं थी, जिस बीपीओ की तारीफ में पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक तारीफ कर चुके हैं, आज उसी बीपीओ कॉल सेंटर में युवाओं का कथित अश्लील भरा ठुमको जैसा फिल्मी गानों पर थिरकते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कर्मचारी और युवा ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार में बीपीओ को रोजगार सृजन आदिवासी युवाओं के लिए दंतेवाड़ा में बताया जाता रहा है, पर सरकार के बदलते ही एक साल में बीपीओ की स्थिति डावाडोल नजर आने लगी। लोगों में नशे की लत दूर करने के लिए इस कानून की जानकारी देने के लिए पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा अंजोर रथ बिलासपुर के मस्तूरी पहुंचा। स्कूलों में अंजोर रथ के माध्यम से पुलिस कर्मियों ने छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्हें यातायात नियमों का पालन करने का सुझाव देते हुए लोगों को भी इससे जुड़ने के लिए कहा। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न इलाकों में अंजोर रथ पहुंचा और लोगों को नशे से दूर रहने के साथ साथ यातायात के नियमों का पालन कर ठगी से बचने की जानकारी दी गई। पुलिस ने गांव में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां होने पर थाने में जानकारी देने का सुझाव दिया ताकि घटनाओं को रोका जा सके। साहब के महोदय के निर्देश से अंजोर रथ का शुभारंभ किया गया है, जो सभी थाना शहरी एवं ग्रामीण सभी जगह चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण अंचल में शहरी अंचल में मोबाइल एटीएम फर्जी कार्ड ठगी के संबंध में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश भर में आज विश्व कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत बालोदा बाजार में प्रत्येक स्कूल में बच्चों को कृमि नियंत्रक की दवाई खिलाई गई। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कृमि से संक्रमण में बच्चों को काफी कमजोरी और कुपोषण का प्रभाव रहता है, इससे एनीमिया और भूख न लगने की शिकायत रहती है। कृमि परजीवी होते हैं और ये मनुष्य के आंत में रहते हैं। कृमि नंगे पैर खेलने, साफ सफाई न होने, बिना हाथ धोकर खाना खाने से फैलता है। प्राथमिक शाला इंदिरा कॉलोनी में 114 बच्चों को दवाई खिलाई गई। सभी बच्चों ने खा लिए? हाँ, सभी बच्चों ने। किसी को तकलीफ वगैरह तो नहीं आई? नहीं। 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग दोनों के सहयोग से सभी बच्चों को कृमि की दवाई खिलाई जा रही है। इसमें एल्बेंडा जोल नामक टेबलेट जो है प्रत्येक बच्चों को खिलाया जा रहा है और हमारा टारगेट 70% बच्चों को कृमि की दवाई खिलाना। रायपुर में बुधवार को भारी बारिश की वजह से तेलीबांधा में नवनिर्मित एक्सप्रेसवे की पुल खुल गई। घटिया निर्माण की वजह से पुल उद्घाटन से पहले ही धंस गया। पुल धंसने की वजह बीती रात एक कार का एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना से वाहन चालक के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुल धंसने की खबर लगते ही आनन फानन में अधिकारी पहुंचे और पुल को रिपेयरिंग करने की कोशिश की। इस घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारी बचते नजर आए। स्टेशन से वापस आ रहे थे, मेरी वाइफ ड्राइविंग कर रही थी, अचानक वो गड्ढा आया बीच में, क्योंकि हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी अच्छी रोड में गड्ढा होगा, और वहां से कार उछली और डिसबैलेंस होकर स्टीयरिंग लॉक हुआ और ये हादसा हुआ है। चार पलटी खाई है कार। इस पे है कि कहीं ना कहीं रोड कंस्ट्रक्शन में जो उन्होंने लापरवाही बरते हैं वही नजर आ रही है, क्योंकि जो
जहाँ से पुल खत्म होता है वहाँ पे जिन्होंने मुरुम डाला है वो धस गया है, और इसी वजह से क्या है कि गड्ढे होने की वजह से स्पीड में गाड़ी चलती है, इसी वजह से ही वो गाड़ी उचक के एक्सीडेंट हुआ है। रायपुर के फ्लाईओवर निर्माण के मामले में इंजीनियर संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि फ्लाईओवर के निर्माण में मानकों के मुताबिक काम नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर के निर्माण में 25 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जो काम के हिसाब से काफी ज्यादा है। रायपुर में फ्लाईओवर क्षतिग्रस्त होने के बाद बीजेपी के नेता सवालों के घेरे में आ गए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू से जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा की बी टीम कही जाने वाली जनता कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से शराबबंदी पर हमले हो रहे हैं कांग्रेस पर, मुख्यमंत्री जी पे, ये कदापि। छत्तीसगढ़ आदिवासियों का गढ़, इस गढ़ के मूल निवासी आधार स्तंभ यहाँ के आदिवासी ही हैं। निश्चल निस्वार्थ आदिवासी प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों के साथ जीने मरने वाले छत्तीसगढ़ के रक्षक आदिवासी, इन आदिवासी सब ने सब कुछ किया लेकिन लेने वालों ने दिया बहुत कम ही। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आदिवासियों के साथ है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, जिन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहले उनके हिस्से की जमीनें लौटाई और तो और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश भी दिया। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद आदिवासियों के जीवन में भी परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता संभालने के बाद आदिवासियों को उनके अधिकार उन्हें देने में जुट गए हैं। उन्होंने सबसे पहले बस्तर में आदिवासियों को जमीन लौटाने का काम किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ हर मोर्चे पर खड़ी हो गई है। बीते 7 महीनों में भूपेश सरकार की ओर से आदिवासियों के हित में लिए गए फैसलों पर एक नजर डालते हैं। लोहंडीगुड़ा बस्तर में उद्योग स्थापित न होने पर 1,700 आदिवासियों की 4,200 एकड़ जमीन वापस की गई। गलत आरोपों में जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। आदिवासी अंचलों में कुपोषण एवं एनीमिया से पीड़ित 100% महिलाएं एवं बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन कराने का व्यवस्था की गई। आदिवासी अंचलों में सभी हाट बाजारों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई। बस्तर तथा सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरणों में अब स्थानीय विधायकों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। तेंदुपत्ता मजदूरी 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की गई। स्थानीय युवाओं को सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता देने के लिए आदिवासी अंचलों बस्तर एवं सरगुजा में कनिष्ठ कर्मचारी बोर्ड के गठन की घोषणा की गई। जिला खनिज न्यास DMF के पैसे का उपयोग अब आदिवासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार आदिवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा कर चुकी है। हमने सरकार की बागडोर संभालते ही कहा था कि सबसे पहले आदिवासियों का विश्वास जीतेंगे। हम आदिवासी अंचलों में ऐसे काम तेजी से करेंगे जिनसे उनकी जिंदगी सरल हो और वे सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों में भागीदारी निभाते हुए राज्य और राष्ट्र के मुख्यधारा में अपने को सम्मान के साथ जोड़ सकें। मुझे खुशी है कि हम कम समय में ही एक ठोस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमने आदिवासी समाज के सपनों और आशाओं को पूरे करने का महाअभियान शुरू कर दिया है। और आदिवासी समाज की बहुत पहले से मांग थी कि ये विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस पर छुट्टी अवकाश देना बहुत खुशी की बात है। पूरा आदिवासी समाज पूरी सरकार को और मुख्यमंत्री समेत पूरे उनके मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो पूरे प्रदेश के अंदर में अवकाश दिया गया है, उसके लिए मैं और हमारी पूरी जनता और आदिवासी समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सभी आदिवासी समाज की भावनाओं को समझा और पूरे प्रदेश के हित में अवकाश दिया। वास्तव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिर्फ 7 महीने में कई बड़े फैसले आदिवासी हित में लेकर
यह स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ है। अब आदिवासी की न सिर्फ सुरक्षा बल्कि उनके मान और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी तरह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस